मैं आप सभी के बचपन की यादों को ताजा करने जा रहा हूँ। गिल्ली डंडा से लेकर इंजीनियरिंग का फंडा क्लियर करने जा रहा हूँ। बस साथ दीजिए और खुद से रिलेट कीजिएगा। और कुछ बातें दिल तक पहुंचा सकूं तो तालियों से स्वागत कीजिएगा। दोस्तों, जब हमारा बचपन माँ की गोद से निकल रहा था, तब हम दुनिया के समंदर में कुछ मोती चुन रहे थे। तो उसी पे मैंने लिखा है कि तब मैं दुनिया के समंदर से कुछ मोती चुन रहा था। कभी हमने साथ मिलकर रेत के महल बनाए, तो कभी एक दूसरे से कट्टी होकर अपना गुस्सा दिखाए। पर बाद में न जाने वह कौन सी वजह होती थी जब नदी नालों हम साथ नंगे होकर नहाए। मुझे आज भी याद है तेरा टिफिन कैसे मैं लंच से पहले खाया करता था। तू भूल जाता था अपना होमवर्क करना, तेरे बैग में अपनी कॉपी रखाता था। हर सुबह शाम तेरा और मेरा मिलना तय हुआ करता था। मेरी वाली तेरी भाभी है, ये कहना भी तय हुआ करता था। दोस्तों, बचपन में कैसे हम एक दूसरे के लिए डॉक्टर बन जाया करते थे। जिसने बचपन में डॉक्टर नहीं खेला ना, समझ लो कुछ नहीं किया। तो उसी पे लिखा है मैंने कि कैसे हम एक दूसरे के लिए डॉक्टर बन जाया करते थे, कैसे हम हाइड एंड सीक में लड़कियां छेड़ जाया करते थे। अब 11th में जब मैंने साइंस लिया तो हार्मोन्स के बारे में जाना, चेंज होता है उसके बाद कुछ कुछ होता है। तो मैंने 11th में साइंस लिया तो हार्मोन्स के बारे में जाना, तो मुझे भी प्यार हो गया यार। अद्भुत टाइप सा विश्वसनीय अतिक्रमणी उत्क्रमणी सब हो चुका मुझे। तो हार्मोन चेंज हुए और प्यार हो गया, फोन पे बातें स्टार्ट हुई, दिल बहार हो गया। कुछ बैलेंस उन्होंने डलाया तो कुछ हमने भी और ये दोस्ती से प्यार और प्यार से व्यापार हो गया। पर मुझे याद है कैसे तूने मेरा दिल तोड़ा था। मेरे एग्जाम के टाइम में तूने मेरा साथ छोड़ा था। उस वक्त भी वही दोस्त ही था जो सुट्टा लेकर आया था। और बेवफा निकली है तू, इस सॉन्ग पे खूब नचाया था। माना कि बड़े बड़े कैमरे से फोटो खींचा तो आइटम तो बन जाएगी। गरीब बदसूरत क्या मुझे किसी और के पास चली जाएगी। पर कितना भी घूम ले तू केटीएम के ऊंची सीटों में बैठकर, टपरी का चाय और स्प्लेंडर का प्यार कहां से लाएगी। टॉपिक को यहीं छोड़ता हूं मैं। खैर, ये कहानी भी किसी और शो में सुनाऊंगा। आज बारी तो मेरे जीरे यारों की है। उन्हें अनदेखा ना कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे याद है कॉलेज का वो लास्ट दिन। अगर कोई पास आउट हो चुका होगा उसे कॉलेज का वो लास्ट दिन याद होगा। मुझे याद है कि जब हम एक दूसरे के शर्ट पर कुछ लिख रहे थे, नम आंखों से गाली देकर मिलने की दुआ कर रहे थे। फेयरवेल तो जैसे जिंदगी का लास्ट डे लग रहा था। डरा हुआ था मन मेरा, ना जाने क्या सोच रहा था। तुम्हारे साथ आज भी वही लाचार मस्ती करना है। माँ बहन जैसी बड़ी गाली भी प्यार से सुनना है। बंजर जमीन में बैठा हूँ, वही बियर की वर्षा कर दो। चार पैक में भी कुछ नहीं होने वाला, ये कॉन्फिडेंस भर दो। चार पैक में भी बस अब दिन दूर नहीं जब हम सब मिलेंगे।
बस अब दिन दूर नहीं जब हम सब मिलेंगे कैंटीन अलावा सड़कों पर कुत्तों की मस्ती करेंगे। रात को खीर खाने की जिद मेरी तू ही पूरी करेगा। रात को खीर खाने की जिद मेरी तू ही पूरी करेगा। बस भूल कर आया हूँ गाली देकर पे भी तू ही करेगा। बस लेकर भूल आया हूँ गाली देकर तू ही पे करेगा। तो हर सुबह नीम का खुलना तेरी हंसी से जुड़ता है। हर सुबह मेरा नीम का खुलना तेरी हंसी से जुड़ता है। कुर्सी सदा मिलने की रखो यही दिल कहता है। माल तोड़ेंगे कोर्न भी देखेंगे। माल तोड़ेंगे कोर्न भी देखेंगे। भट्टी भी खोल लेंगे हम। बस प्यार बनाए रखना यही तो दिल करता है। प्यार बनाए रखना यही दिल। अगर इस कविता को आगे लिखा तो कल रात जब बैठ के लिख रहा था तो मुझे पता नहीं याद आ गई दोस्तों की तो मैंने लाइन भी जोड़ी कि अगर इस कविता को आगे लिखा तो आंखें नम हो जाएंगी। अगर इस कविता को आगे लिखा तो आंखें नम हो जाएगी। तेरी मेरी मस्ती से गिरे पलों की याद आ जाएगी। इसलिए रुकता हूँ तेरी यादों के साथ जुड़कर। वापस आ जाओ ना यार दुनिया को छोड़कर। वापस आ जाओ ना यार दुनिया। एक बहुत अच्छी लाइन मैंने देखी थी अभी चल रहा है क्रिसमस वाला भयंकर आता है यार एक ऐसा वो टाइप से मतलब बहुत शेयर करते हैं हम लोग व्हाट्सएप पे। तो मैंने उनकी एक बात सुनी थी कि छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र नहीं है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।